नमस्ते आदाब, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम एक नॉर्मल और एक छोटा बिजनेस हम किस तरह से घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहला है, देख रहे हैं आप, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है मैंगो पिकल, मैंगो का अचार, आम का अचार। मतलब आप घर पर बना के बड़े आराम से एक छोटा सा बिजनेस आप बड़े आराम से घर से ही स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों इस बिज़नेस को किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये आम का अचार का पैकिंग देख लीजिए दोस्तों, कितना दिया हुआ है इसमें। रेट दिया है 5 रुपये और पैकिंग दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा है 30 ग्राम का दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 रुपये की 30 ग्राम की ये पैकिंग है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 5 रुपये का 30 ग्राम, अगर ये पैक करके हम होलसेलर इसे जो भी फैक्टर या मैन्युफैक्चरर होगा इसे बेच रहा होगा, तो दोस्तों ये किलो 165 से 170 रुपये किलो हमें पड़ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह का ब्रांड अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ब्रांड बनाकर अपना कोई आम का अचार का या कोई भी अचार का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको करना है ब्रांड की, ब्रांड आपको प्रिंट करा लेना है जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। प्रिंट करवाने के बाद आपको गूगल करना है दोस्तों कि पैकिंग पाउच हम कैसे प्रिंट करें, तो आपके नियर में जो भी लोकेशन सजेशन आपको बता देगा, वहाँ से आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक मेरा आपको सजेशन है कि आप ब्रांड प्रिंट करवाएंगे तो 50 से 1 लाख मतलब 50,000 रुपये में छोटा मोटा आपका स्टार्टिंग आप कर सकते हैं ब्रांड प्रिंट करवा के। उसके बाद आपका बिजनेस चल पड़ता है, तो फिर आप जैसा आप बिजनेस ग्रोथ होगी उसी तरह से आप अपना बिजनेस मतलब बिना मशीन के भी आप इस बिज़नेस को बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको पता ही है कॉस्ट ऑयल और जो भी है ऑयल मसाला मैंगो, यही 3-4 आइटम लगेंगे और आपका बड़े आराम से बिजनेस स्टार्ट आप घर पे ही कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है पैकिंग की, तो पैकिंग दोस्तों आपको पाउच मतलब पाउच पैकिंग देख ही रहे हैं, आपको एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिखा रखा है, और उसके बाद बोतल में भी पैकिंग करके आप अपना ब्रांडिंग का लोगो बनवाकर छपाकर आप उसे बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। जार या कंटेनर का भी पैकिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब इसे रखते हैं साइड में। अब लेते हैं दोस्तों ये जो आपको हम बता रहे थे ये जार। तो दोस्तों जिंगर गार्लिक बिजनेस, तो दोस्तों इसे हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जिंगर गार्लिक बिजनेस। तो दोस्तों ये 5 रुपये की 25 ग्राम की पैकिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आपके सामने दिखाई दे रहा है 5 रुपये की 25 ग्राम की पैकिंग है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये किलो कितने का पड़ा, यानी 200 रुपये किलो ये हमें पड़ा। तो 200 रुपये किलो के हिसाब से ये बिजनेस आपको मतलब प्रॉफिट आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। आप ब्रांड उसी तरह से करना है, सेम आपको ब्रांड प्रिंट करवा लेना है और पैकिंग पाउच आप जो भी है उसी तरह का सेम प्रोसेस जो अभी हमने बताया आपको नियर में आपने ढूंढ लेना है जो लोग इसे प्रिंट करते हैं पन्नी, और प्रिंट करवा के आप बड़े आराम से इसी तरह से आप अपने ये भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बोतल पैकिंग पाउच पैकिंग बोतल पैकिंग और जार या कंटेनर में पैकिंग करके आप बड़े आराम से दोस्तों स्टार्ट इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ज़रूरी सूचना कि FSI में आपको रजिस्ट्रेशन कराकर ही इस बिज़नेस को दोस्तों करना है, FSI में लाइसेंस लेने के बाद ही, क्योंकि इससे क्या होगा आपको ब्रांडेड आपका ब्रांड भी बन जाएगा, फिर उसके बाद आपको मतलब कोई दिक्कत या परेशानी या कोई भी सरकारी मतलब डिफरेंट में या कोई लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे आपके पास लाइसेंस होने के बाद। अगर आप दोस्तों लोकल में करना चाहते हैं, तो आपने गाँव से छोटे में कहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी होगी आप, लेकिन पन्नी प्रिंट करवा के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को डन कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।